तो ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। तो ना दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तो मेटल के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये तो आईटीआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है कि मेरे तो चैनल पे तो मेटल के ऊपर में कुछ वीडियो होगा इंजीनियरिंग मटेरियल नाम से, तो वो सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो और जो है ये जो तो मैंने वीडियो में हम लोग तो थोड़ा सा इसके मेटल के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बहुत डीपली चैप्टर है और ठीक है, इसके बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली देखा गया है हम लोग जो आईटीआई ट्रेनीज़ हैं तो अन्ना हम लोगों को मेटल के बारे में जानकारी बहुत कम है। और जो है कि मेटल के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो हम लोगों का पूरा काम जो है वो मेटल के साथ है। चाहे आप फिटर हो, टर्नर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आप तो मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो कोई भी ट्रेड से आप हो, तो आपको पूरे ज़िंदगी भर का जो कमाई है, जो आप तो ना इनकम करोगे, वो तो मेटल को कुछ सेप देके या मेटल को से कुछ चीज़ें खरीद के, कुछ बना के पूरे आपकी ज़िंदगी भर की कमाई डिपेंड करता है। तो मेटल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग फॉर्मली तो ना डिस्कशन को शुरू करते हैं। और आपको अगर कोई कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप तो ना कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं तो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो धातु जो है एक तो खनिज पदार्थ है, और ठीक है, इसको तो खनिज तो खनिज है, मतलब है तो मिट्टी का अंदर से पत्थर के रूप से निकाला जाता है। और इधर निकालने के बाद इसको हम लोग कुछ तो माने प्रोसेस करते हैं। तो ये ठीक है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वो जो आकरिक है, वो जो खनिज है, ठीक है, उसके अंदर में जो ना अशुद्धियाँ है, ठीक है, उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं और एक प्योर फॉर्म देते हैं। तो अभी आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, जो ये जो ना आकरिक है, ठीक है, इसकी नाम क्या है। तो क्वेश्चन आता है तो जो लोहा है, ठीक है, इसको मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडराइट, आयरन पायराइटिस इसके रूप में, खनिज के रूप में मिलता है। और हम लोग इसको डिफरेंट फार्नेस में डाल के, ठीक है, इसके अंदर में जो मैंने मैंगनीज है, कार्बन है, और मेनली जो सिलिकन है, ठीक है, उसको तो रिड्यूस करते हैं और लोहा हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये धातु के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, और दो तीन दिन बाद या तो कुछ दिन बाद फिर वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो ठीक है, मेटल को तो रट्टा मार के आप बिल्कुल एक्वायर नहीं कर सकते हो। आपकी ना इंजीनियरिंग की, आपकी तो ना टेक्नीशियन की कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसको रट्टा मार के या मेमोराइज करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। तो ठीक है, इसको तो समझना ज़रूरी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, और तो पढ़ने से ज़्यादा मैंने आपको सुनना ज़रूरी है। मैंने अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ याद रहेगा। और ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो धातुएं हैं, तो धातु किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में धातव गुण होता है, मेटलिक प्रॉपर्टी होता है, उसको धातु बोलते हैं। अभी एक मेटलिक प्रॉपर्टी क्या है, मेटलिक प्रॉपर्टी मतलब जो एक मेटलिक साउंड दे,
और जो ना हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान में कैरी करने के लिए कोई बाधा ना डाले, और ठीक है जिसके अंदर से हीट बहुत जल्दी एक स्थान से लेके, तो मतलब मेटल जिस धातु के अंदर से हीट बहुत जल्दी एक स्थान से लेके तो ना दूसरे स्थान में जाता है, ठीक है, उसको बोलता है मेटल। और अगर आप इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ना केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई मेटल को हम लोग तो जलीय द्रवण में डालते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन दे, ठीक है, वो है हमारे मेटल। चलो आपको मतलब आईटीआई में केमिकल प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो मेरे बातों से आपके दिमाग में तो सर तो और एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप जो ये प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। ये जो प्रॉपर्टी है जो मेटल है इसको जो गुण है, गुण काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ठीक है उसकी भौतिक गुण हो सकते हैं जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसकी रासायनिक गुण हो सकता है, ठीक है, जिसको तो केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ठीक है उसका जो है मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब ठीक है जिसको यांत्रिक गुण बोलते हैं। ये तो ना यांत्रिक गुण बहुत मतलब ज़रूरी है मैंने आपकी तो आईटीआई वालों को जानने के लिए, ठीक है। तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आप नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, बट बिना यांत्रिक गुण से आपका कोई काम नहीं निकलने वाला है, तो यांत्रिक गुण आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो यांत्रिक गुण है ये यांत्रिक गुण के आधार से ही हम किसी मेटल का बारे में जानते हैं। अभी ये जो यांत्रिक गुण क्या क्या है, ये जो यांत्रिक गुण है ठीक है उसकी हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मैंने मेलेबिलिटी, क्रीव, फैटिग, क्रीप, तो रेजिलेंस, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इत्यादि। तो आप अगर देखेंगे तो आप आपकी बुक से देखेंगे तो आपकी तो आईटीआई लेवल में जो जो बुक्स अवेलेबल है ठीक है वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगा यांत्रिक गुणों के बारे में। और बिना यांत्रिक गुण के बारे में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिए आप मेटल की चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो गूगल करना पड़ेगा, और जब भी आप मतलब मेरा क्लास करो या मेरे बातें सुनो तो ठीक है अपने साथ में एक नोटबुक पेन मैंने ज़रूर रखिएगा, और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके वो मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा, और एज नोट डाउन करने के बाद उसको गूगल कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, उसकी इमेजेस देखिएगा, ठीक है। हमारे जो दिमाग है वो ना इमेजेस को ज़्यादा तो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को जानना मतलब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को जानने से पहले उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए मेटल की भौतिक गुण को आपको समझना ज़रूरी है। तो आगे मेटल का जो भौतिक गुण है तो ठीक है इसको आपने क्लास 6 से लेके 10 तक तो पढ़ाई किए हैं, और बहुत दिन तो पढ़ाई की प्रैक्टिस छूट गया बोल के आप सारे कुछ भूल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाते हैं, और याद तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे इसकी भार हो गया तो कंस्ट्रक्शन हो गया मतलब बनावट हो गया, और तो रंग हो गया तो कंडक्टिविटी मतलब तो चालकता, मैंने जो तो चालकता की बात कर रहा था, तो चालकता दो प्रकार के होते हैं, एक है विद्युत चालकता और एक है ताप चालकता, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, एंड देन तो मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, और तो फ्यूजिबिलिटी इत्यादि। चलिए तो हम लोग थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सुन लेते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का जैसे वेट, तो
वेट किसको बोलता है? कोई भी पदार्थों को पृथ्वी जिस बल से नीचे की ओर खींचता है उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। उसकी मास एंड वेट दोनों के बीच में फर्क है। तो मास क्या है? कोई भी पदार्थ के कोई भी तो पदार्थ के अंदर में जो ना पदार्थ होते हैं, सब बोलोगे ये क्या चीज़ है। मतलब मान लो ये मेरे हाथ में जो ये बुक है, तो बुक के अंदर में जो ना पदार्थ है, मतलब जो मेटेरियल है, ठीक है, इसको बोलते हैं इसकी मास। तो मास जो है ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप तो चांद में जाओ और चाहे आप चाहे तो ना किधर भी जाओ, आपकी तो कॉलेज में जाओ, घर में रहो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहो, तो ठीक है, आपकी मास कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो जो और मैंने वजन चेंज चेंज होता है, हम लोग जानते हैं तो यार वजन क्या है, वजन वजन का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी। तो जी जब चेंज होता है तो इसका वजन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे चांद में जब हम लोग जाते हैं, चांद में जी का वैल्यू पृथ्वी का जी का वैल्यू का 1/6 है, ठीक है। चलो मैं तो माना आपको थोड़ा ज़्यादा पका रहा हूँ, आपको ज़्यादा लगेगा, बट ये पकना ज़रूरी है, ठीक है। आपने अगर पकोगे नहीं, आपको डिटेल नॉलेज नहीं होगा, तो क्या है, आप तो पढ़ोगे और भूल जाओगे, पढ़ा सुबह पढ़ोगे शाम को भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं तो मेरा ख्याल से कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, तो आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप वीडियो बंद करके चले जा सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरा कोई मैंने तो दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा पकाऊँगा नहीं। तो भार और भर दोनों को लेके क्या है, थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। मास अलग चीज़ है तो वेट अलग चीज़ है। मास का इकाई क्या है, किलोग्राम, और ना वजन का इकाई क्या है, दैट इज़ द न्यूटन, ठीक है ना। तो आप माने मेरे ख्याल से आप लोग तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। फिर देने कलर, ठीक है, हम लोग तो कलर देख के मेटल को पहचान सकते हैं। जैसे आपकी लोहा की कलर एक अलग होता है, एल्यूमिनियम की कलर अलग होता है, कॉपर की अलग कलर होता है, ब्रास की अलग कलर होता है, ठीक है। तो ना कलर एक भौतिक प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, ठीक है। फिर है तो कंडक्टिविटी, तो ना कंडक्टिविटी मतलब चालकता। अभी डिफरेंट मेटल का जो चालकता है वो अलग लेवल का होता है। जैसे आप मैंने बोला था कि चालकता दो प्रकार की होती है, एक है थर्मल कंडक्टिविटी और एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि जितनी जल्दी हीट एक मतलब ए स्थान से लेके बी स्थान में जाने के लिए हीट को जो टाइम लग रहा है, ठीक ठीक है, अगर तो ना उसकी कंडक्टिविटी हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, हीट मतलब बहुत तेज़ी से गर्म होगा। और तो थर्म और जो जो ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मतलब आप ठीक है उस एज ए कंडक्टर उसको इस्तेमाल कर पाएंगे कि जैसे आपकी घर में जो तार है, बिजली जिस तार से जाता है, तो तार के अंदर में क्या है, कॉपर है। अगर तो ना कॉपर की कंडक्टिविटी नहीं होता तो क्या होता, तो आपका शायद जो ट्यूबलाइट है वो तो नहीं जलता। तो मेटल की कंडक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर देने मैग्नेटिज्म, ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे मैं तो मैग्नेटिज्म का डिटेल पढ़ाऊंगा, तो ना मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है। तो खास करके जो जो लोग तो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रोप्लेटर वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो ना उनको तो मैग्नेटिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग मैकेनिकल वाले हो थोड़ा थोड़ा जानकारी रखने से भी चलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म जो है तो ना फेरोमैग्नेटिक तो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैंने तो ये ना मैग्नेटिज्म क्या है, तो मैग्नेटिज्म एक टेम्परेचर के ऊपर
कोई लोहा मान लो, लोहा हम लोग जानते हैं कि लोहा का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब मैग्नेटिज्म, मतलब ठीक है वो मैग्नेट बन सकता है कि नहीं, और मैग्नेट से वो खींचता है कि नहीं, ठीक है। ये जो कहीं पे एक मैग्नेट है, मतलब चुंबक है, और लोहा ठीक है उसको खींचे चला जाता है, मतलब उसकी ओर खींचे चला जाता है, ये एक टेम्परेचर तक होता है, ठीक है। जिस टेम्परेचर तक कोई मटेरियल का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रहता है, उस टेम्परेचर का बोलता है क्यूरी पॉइंट, माने तो ठीक है। ये एक तो पॉइंट आ गया, तो ठीक है आपका सवाल इस पॉइंट के ऊपर होगा, तो ये जो ना क्यूरी पॉइंट है, ठीक है, ये तो लोहे के केस में तो क्यूरी पॉइंट जो है माने 500 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो आसपास, ठीक है। मैंने कोई ना प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ठीक, आसपास बोल रहा हूँ। तो आपकी नॉलेज कितना है आपकी बातों से पता लगता है। जैसे हम लोहा बोलेंगे, तो लोहा जो है बहुत प्रकार की लोहा होता है, तो ना सबका क्या होगा, तो क्यूरी टेम्परेचर तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जब हम तो ना क्यूरी टेम्परेचर की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हम डेटा बोलेंगे, डेटा के साथ ना लगभग शब्द इस्तेमाल करेंगे, मैंने क्योंकि हम अगर प्रॉपर क्यूरी टेम्परेचर बोलने जाएंगे तो हमको प्रॉपर कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा। अगर हमारा प्रॉपर कॉम्पोजिशन नहीं है तो हम तो ना प्रॉपर तो क्यूरी टेम्परेचर कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर देन होता है तो फ्यूजिबिलिटी, तो फ्यूजिबिलिटी का हिंदी होता है गलनीयता। अभी देखो आप तो ना कोई चीज़ को, कोई भी मेटल को तो फोर्जिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो जब आप तो फोर्जिंग करने के लिए जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको तो पिघलाना पड़ेगा, और पिघलाने के बाद उसको एक ढांचे में डालना पड़ेगा। अगर ठीक है उसको जो फ्यूज़न टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा होगा, तो ठीक है आपको उसका पीछे आग लगाने के लिए, मतलब उसको भट्टी में डालने के लिए आपको ज़्यादा पैसा का खर्चा होगा। अगर ठीक है उसका अगर मतलब फ्यूजिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा, तो आपकी कम खर्चा होगा। ये देखो सिंपल तो लॉजिक है, सिंपल तो ना कॉमन सेंस है। हम लोग तो कास्टिंग करने के लिए तो कास्ट आयरन क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो स्टील को क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ना कास्ट आयरन का जो ना फ्यूज़न पॉइंट है, मतलब जिस टेम्परेचर में कास्ट आयरन पिघलता है वो कम है और स्टील की ज़्यादा है, तो कास्ट आयरन नियर अबाउट, फिर से बोल रहा हूँ लगभग, तो लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है कास्ट आयरन तो पिघल जाता है, और स्टील को नियर अबाउट तो 1540 तो 1530 डिग्री तो सेंटीग्रेड में जाके स्टील पिघलता है। फिर भी तो कॉम्पोजिशन की आधार से जो है तो ना उसकी चेंज हो जाएगा, तो ना इसका डिटेल हम लोग अगर तो आप लोगों के साथ मेरा साथ बना रहेगा, तो हम लोग तो धीरे धीरे इसको जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग आएंगे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, लाख रुपया की सवाल है। मैंने अपने तो करियर में 8-10 साल तो पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी बच्चे लोगों को कितना समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम बारीकी से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, बट तो उतना पकड़ नहीं पाते। क्योंकि क्यों पकड़ नहीं पाते, क्योंकि पेशेंस नहीं है, तो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, तो जस्ट तो ना 2 लाइन अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी को आप याद कर लो, तो आप ठीक है सुबह याद करोगे, शाम को भूल जाओगे। बट अगर आप ठीक है इसको प्रॉपरली इसको तो समझते हो, तो ठीक है एग्जाम्स के पहले आपको फिर ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। आपने अगर साल भर ठीक ठाक पढ़ा है, क्लास किया है, वीडियो सुना है, तो वीडियो सुनने से ज़्यादा आपने अगर पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, तो आपकी एग्जाम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग को माने मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेन चीज़ मेटल का ठीक है उसको शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ,
ठीक है, उसकी ताकत, तो स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? तो कोई भी फोर्स को अपोज करने का, मतलब कोई भी उसके ऊपर में लोड लग रहा है, उस लोड को बाधा देने का जो क्षमता है उसको बोलता है उसकी स्ट्रेंथ। मान लो आप जो है, आप एक जो मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ मन कैसा है, आपने स्ट्रेंथन है या आपने वीक है, तो इसको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर में फोर्स अप्लाई किया जाएगा? मान लो तो किसी से आपकी धक्का लगा, तो धक्का लगने के बाद अगर आप गिर जाओ, मतलब आपकी आपकी स्ट्रेंथ कम है, अगर आप खड़ा रहो तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक तो मटेरियल है, तो ठीक है, उस मटेरियल के ऊपर में लोड कितना प्रकार के लग सकते हैं। ठीक है, तो चार पांच प्रकार के लोड लग सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग ये नाम कहीं ना कहीं आप लोग सुने हो। एक है तो टेंसाइल फोर्स, खींचने वाला फोर्स। ठीक है, जब उसको एक्सिस बराबर लोड लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अगर उसको दबाया जा रहा है, उसको मतलब एक्सिस वाइज उसको अंदर की ओर लोड लग रहा है, इसको बोलता है कंप्रेसिव लोड। ठीक है, आपको ये सारा चीज़ को मटेरियल के साथ में रिलेट करना है। जैसे ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत आईटीआई में पढ़े होंगे कि जो कास्ट आयरन है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तो कास्ट आयरन को जब हम लोग दबाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा के रेजिस्ट करेगा, मतलब वो जल्दी दबेगा नहीं, माने तो ठीक है, तो वो वहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। अगर हम कास्ट आयरन के ऊपर में टेंसाइल लोड डालेंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, मतलब बहुत जल्दी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये है इसकी मतलब। तो एक हो गया टेंसाइल लोड और एक हो गया कंप्रेसिव लोड। फिर एक प्रकार की लोड है सियर लोड, जब कोई भी मेटेरियल के ऊपर में 90 डिग्री में लोड लग रहा है, ठीक है, उसको बोलता है सियर लोड। ठीक है, और एक प्रकार की लोड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टॉरिजनल लोड, मतलब आप जो नहाने के बाद जो आपकी टावल है, गमछी है, वो गीला है, ठीक है, उसको आप तो क्या करते हो, ऐसे करके ट्विस्टिंग करते हो जो पानी उससे निकल जाए, इस प्रकार का जो लोड लगता है इसको बोलता है ट्विस्टिंग लोड। ठीक है, चलिए, तो फिर एक प्रकार की लोड है जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट, झटका। ठीक है, आप जो जो ना हैमर से स्ट्राइक करते हो तो वो किस प्रकार की लोड है? वो है इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये सारा लोड लग सकता है। तो ये लोड को सहन करने का जो मटेरियल की क्षमता होता है उसको बोलता है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए, काफ़ी लंबा हो गया, और चलो, आप लोग अगर साथ में बने रहोगे तो ठीक है, इस प्रकार का तो ना डिस्कशन तो चलता रहेगा। और एक टीचर की काम है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बिल्कुल एक लिक्विडिफाई कर देना है, कि ये तो किताब की लैंग्वेज जो आपके दिमाग में घुसता नहीं है, एक अच्छे टीचर की काम है तो ठीक है, उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके आपके दिमाग में तक तो ना पहुंचा देना, और बाकी आपका दिमाग बुद्धिमान है, वो समझ जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।